हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कुक विद पटनायक। आज हम बनाना सीखेंगे पिज्जा सॉस। हम यूजुअली पिज्जा सॉस को मार्केट से खरीद लेते हैं, लेकिन जब आप इस रेसिपी को देखेंगे तो आप इसे रेगुलर बेसिस पे बनाएंगे, क्योंकि ये बाजार जैसे ही टेस्टी बनेगी। तो इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स लगेंगे, यहाँ मैंने 10 से 11 टमाटर ले लिए हैं मीडियम साइज के, नमक, कटा हुआ प्याज, इसको मैंने बहुत फाइन नहीं चॉप किया है, आप रफली ही चॉप करें, राइस ब्रैन ऑयल, आप चाहे तो ऑलिव ऑयल भी यूज कर सकते हैं, गार्लिक, इसे भी मैंने रफली चॉप किया है। यहां मैंने लगभग 2 पूरे गार्लिक को पील करके इसको रफली चॉप कर दिया है, लगभग 30 to 40 क्लोव्स। यहां पे मैंने लिया है लाल मिर्च पाउडर, टमाटो केचप, हनी, ये मिक्स हर्ब है जिसमें ऑरेगानो, थाइम, चिली फ्लेक्स सबका मिक्सचर है, और ये हो गया आपका रेड चिली फ्लेक्स। तो चलिए सबसे पहले हम टमाटो को रफली चॉप कर लेते हैं। हमने सारे टमाटर्स को रफली चॉप कर लिया है। अब हम कढ़ाई में लगभग 5 to 6 टीस्पून राइस ब्रैन ऑयल को डाल लेंगे। मैंने कढ़ाई पहले से ही गर्म होने के लिए चढ़ा दी थी। अब हम इसमें अपनी गार्लिक को डाल के इसको चला देते हैं। साथ में मैं लगभग 2 स्पून मिक्स्ड हर्ब, 1 स्पून रेड चिली फ्लेक्स को गार्लिक के साथ इसमें चला लेती हूँ। इसे लगभग 10 से 15 सेकंड के लिए तेल में भूनिए। इसके बाद रफली चॉप्ड अनियन को मैं इसमें डाल लेती हूँ। इसमें मैंने 2 मीडियम साइज के अनियन को लिया है। आप अपने प्याज की क्वांटिटी और मसालों की क्वांटिटी अपने टमाटो के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। अब हम इसको हल्के नमक को डाल लेते हैं, लगभग आधी टीस्पून, और इसे हल्का पकने के लिए छोड़ देते हैं। मैंने प्याज को 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे भून लिया है। अब हम इसमें अपने कटे हुए टमाटर को डाल देते हैं। प्याज के साथ अच्छे से मिक्स कर लीजिए। इसमें लगभग आधी टीस्पून रेड चिली पाउडर को आप डाल लीजिए। इसे मैं एक बार अच्छे से मिला लेती हूँ। रेड चिली पाउडर टोटली ऑप्शन है, अगर आप ज्यादा तीखा नहीं चाहते हैं तो आपको चिली की क्वांटिटी उस अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लीजिए। अब मैं इसे गैस के फ्लेम को लो करके इसे ढक के पकने के लिए छोड़ देती हूँ। हम इसे थोड़ी थोड़ी देर में चेक करेंगे कि प्याज की टमाटर हमारा अच्छे से गला के लिए। हम इसे बीच बीच में इसे अच्छे से चला लेंगे ताकि हमारा टमाटर नीचे से चिपक ना जाए, और इसी तरह हम इसे पूरे गले तक पका लेंगे। हम टमाटर को थोड़ा करछी की सहायता से इसे मैश कर लेते हैं, उसके बाद फिर से हम इसे कवर कर लेंगे।
हमारा टमाटर लगभग गल के तैयार हो चुका है। अब हम इसमें लगभग 2 चम्मच हनी डाल देंगे। अगर आपके पास हनी अवेलेबल नहीं है तो आप इसमें चीनी को भी डाल सकते हैं और साथ में टोमेटो केचप। यहाँ मैंने आधा कटोरी टोमेटो केचप लिया है और इसे अब अच्छे से मिला के तेज आंच पे अब हम इसे भून लेंगे। मैंने इसे लगभग 5 से 6 मिनट हाई फ्लेम पे भून लिया है। ये बन के तैयार हो चुका है। अब हम अपने गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जब ये कम्प्लीटली ठंडा हो जाए तो हम इसे एक मिक्सर ग्राइंडर में डाल के इसके पेस्ट बना लेंगे। हमारा मसाला अब ठंडा हो चुका है। मैंने इसे एक मिक्सर जार में डाल दिया है। अब मैं इसे ग्राइंड कर लूँगी। इसे ज़्यादा बारीक ना पीसे, इसे थोड़ा दरदरा रहने दें। हमारा पिज़्ज़ा सॉस अब बन के तैयार हो चुका है ना। ये कितने आसानी से बनने वाली रेसिपी। आप इसे फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं और आप इसे ब्रेड के साथ, पराठे के साथ, पकौड़ों के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। आप इसे एक बार बना लें और फ्रिज में स्टोर करके रख लें। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और बताइए कैसी बनी। और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।